खबर देपालपुर से। संस्था निर्भय द्वारा आयोजित जय श्री श्याम भजन संध्या में कन्हैया के भजनों पर बही भक्ति की बयार। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे भाजपा अपने गढ़ में और मजबूत होने का काम कर रही है। राजनीतिक धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में सक्रियता बनाए हुए है। शुक्रवार को देपालपुर नगर के देवी माता मंदिर चौक में एक शाम खाटू श्याम के नाम भजन संध्या का भव्य आयोजन किया गया। संस्था निर्भया द्वारा आयोजित भजन संध्या में भजन गायक कन्हैया मित्तल के भजनों पर कान्हा के भक्त देर रात तक भक्ति के रस में डूबे रहे। कन्हैया मित्तल ने देपालपुर में पहली बार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के आयोजक मनोज पटेल ने अद्भुत अलौकिक जयपुरी नरेश के रूप में स्थापित बाबा खाटू श्याम के दरबार में हाजिरी लगा आहुति दी। जन संध्या के लिए भक्तों में दीवानगी दिखी। 2 घंटे पहले ही पहुंचने शुरू हो गए श्रद्धालु। वहीं मंच पर कन्हैया मित्तल ने अपनी प्रस्तुति शुरू की तो देर रात तक वहां मौजूद भक्तों को भजनों से मंत्रमुग्ध कर दिया। देवी माता मंदिर चौक में हजारों की संख्या में आए भक्तों की सुरक्षा के लिए पुलिस ने कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए। जब तक आयोजन खत्म नहीं हुआ, देपालपुर पुलिस ने चमन चौराहा तहसील रोड पानी की टंकी वाले मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद रखी। आज संस्कारों से ज्यादा संगत मायने रखती है। हम अपने बच्चों को जितनी अच्छी संस्कार दे रहे कहा पड़ता है सावेर। मंत्री जी राजी हो गए, अब सावेर में भी कीर्तन होगा। संगत की रंगत होती है। संस्कार अपने बच्चे को जितना मर्जी अच्छा दे रहा है भाई, लेकिन उसके बाद संगति का भी ध्यान रखना, क्योंकि संगति संस्कार पे हावी हो चुकी है। एक प्रेमी बना तो दूसरा बना, दूसरा बना तो तीसरा बना, यही संगति की रंगती है। दोनों हाथ उठाना और ताली बजाकर आपके लिए गा रहा हूं। देपालपुर में हुई और बहुत हजारों की तादाद में यहाँ भक्तगण आए। कन्हैया मित्तल जी के आने के बाद में आज देपालपुर नगर ही नहीं, तहसील ही नहीं, विधानसभा ही भगवामयी हो गई। कन्हैया मित्तल जी ने जब आह्वान किया सबसे खाटू श्याम का, मुझे भी कहा कि आप मनोज भैया इतने 400 से खाटू श्याम भक्तों को लेके जाएंगे, तो उन्होंने जब ऐसा कहा तो मुझे लगा कि नहीं, भक्त अगर यहाँ 4 बस नहीं 40 बस भी अगर लगी, 400 बसें भी लगी तो हम लगाएंगे, और हजारों की तादाद में भी अगर भक्तगण खाटू श्याम जाएंगे तो हम उनको लेकर के जाएंगे। और अभी क्रिकेट टूर्नामेंट है, क्रिकेट टूर्नामेंट के बाद में हम तारीख तय करके, जब किसान फ्री हो उस समय में उसकी तारीख तय करके और खाटू श्याम सभी भक्तों को लेकर। खबर भारत वर्ष के लिए देपालपुर इंदौर से संदीप सेन की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।